आजम खान के समर्थन में सपा नेता इस्तीफा दे रहे हैं एक ओर, और वहीं अखिलेश यादव पर हमलावर तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो दूसरी ओर इस मामले में चुप्पी के बीच आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे। यहां अखिलेश यादव भीमनगरी महोत्सव हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो सुबह 11 बजे का वक्त है, दोपहर 12 बजे तक रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करेंगे। देखिए 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रामपुर में खबर ये कि जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। वहां पर अब्दुल आजम से वो मिलेंगे और उनके बीच में क्या कुछ बातें होती हैं, और आगरा से भी और रामपुर से भी दोनों के दौरों के बाद क्या बड़ी खबर निकल करके बाहर आती है दोनों ही जगहों से, इस पर लगातार नजर होगी। एक तरफ आजम ब्रिगेड की तरफ से, आजम गुट की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है अखिलेश यादव पर, और पार्टी से इस्तीफा भी दिया जा रहा है। इसी बीच में अखिलेश पहुंच रहे हैं आगरा, वहां पर भी कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी मौजूदगी होगी। अखिलेश किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, और वहीं रामपुर में जयंत चौधरी जब पहुंचेंगे तो कैसी तस्वीरें आएंगी, वो भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। और हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुरादाबाद उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, देखिए लगातार जो इस्तीफों की बौछार है वो हो रही है, ताजा मामला अदनान चौधरी का सामने आ गया है और आजम के समर्थन में इस्तीफा तो हो रहा है, साथ में आरोपों की बौछार अखिलेश यादव पर भी हो रही है। उबैदुर रहमान जी हाँ, बिल्कुल इस्तीफे दिए जा रहे हैं और आजम खान के समर्थन में इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और आज जो बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है वो ये है कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के आज रामपुर में 3 कार्यक्रम हैं, और इस बीच पक्की खबर ये है एबीपी गंगा के पास कि वो आजम खान के परिवार से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। और आज सूचना यह है कि देर रात तक अब्दुल्ला आजम घर पहुँच गए हैं। पिछले कई दिन से जब से ये एपिसोड चला है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बीच अब्दुल्ला आजम रामपुर में नहीं थे, लेकिन देर रात वो रामपुर पहुंच चुके हैं। और आज जयंत चौधरी जो हैं उनका कार्यक्रम अब्दुल्ला आजम और उनकी जो वालदा हैं तंजीन फातिमा, उनसे मिलने का है। अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी क्या अखिलेश यादव का कोई संदेश लेकर के पहुंचेंगे या फिर अपने लिए कोई 2024 का जो लोकसभा चुनाव है या उससे पहले जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है उसको देख करके कोई संभावनाएं तलाशने के लिए जयंत चौधरी रामपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरह से बेफिक्र हैं। और उसकी वजह क्या है, बेफिक्री उनकी ये है कि कोई मौजूदा विधायक, कोई मौजूदा जिलाध्यक्ष, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, किसी जिलाध्यक्ष ने आजम खान के समर्थन में अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो जिन पर कुछ पद हैं या जो विधायक हैं उनमें से कोई नहीं बोल रहा है आजम खान के समर्थन में। और उसकी एक वजह यह है कि 2.5 साल से आजम खान सीतापुर जेल में है, और जितने लोग बयान दे रहे हैं उनमें से कोई भी चुनाव के बाद सीतापुर जेल में आजम खान से मिल के नहीं आया है। तो उनकी बातों में, उनके इस्तीफों में कितना दम है इसको भी अखिलेश यादव बखूबी समझ रहे हैं। तो आज जयंत चौधरी का जो रामपुर दौरा है उसमें देखना होगा कि जयंत चौधरी आते हैं, क्या बात होती है और क्या आजम खान के परिवार की तरफ से आज मीडिया को कोई बात की जाएगी, कोई बयान दिया जाएगा या नहीं। जयंत चौधरी तो किस तरीके से वो मुलाकात करते हैं और क्या अखिलेश का कोई संदेश लेकर के वहां पर जयंत आने वाले हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी और आप नजर बनाए रखिएगा। आगरा से नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, तमाम आरोपों के बीच में, तमाम इस्तीफों के बीच में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं आगरा, वहां पर किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहां का उनका क्या कार्यक्रम है? देखिए अखिलेश यादव 3.5 से 4 घंटे आज आगरा में उनका रहने वाले हैं, आगरा में उनका कार्यक्रम है। दरअसल 14 से लेकर 17 तारीख तक जो कहा जाए भीमनगरी महोत्सव का जो कार्यक्रम होता है, और ऐसे में 15 तारीख की शाम को एक हादसा हुआ और उसमें एक जो पूर्व प्रधान है राजेश प्रताप राजू, उनकी जो लाइट बीम गिरने से उनकी मौत हो गई। तो उस कार्यक्रम में आज वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे। अजयशील गौतम है जिस कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर अखिलेश यादव पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं भीमनगरी महोत्सव, खासकर दलित समाज, जाटव समाज का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आगरा में लंबे समय से आयोजित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में एक मैसेज देने की अखिलेश यादव की कोशिश है कि उनके सुख और दुख में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव साथ खड़े हुए हैं। एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव आज हिस्सा लेंगे, इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भी उनकी एक संक्षिप्त मुलाकात है। तो कुल मिला के 3.5 से 4 घंटे का ये कार्यक्रम है, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम है
भीमनगरी के समापन कार्यक्रम में अखिलेश यादव को 17 तारीख को आना था, लेकिन ये हादसा 15 तारीख को हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने दुख जताया, तमाम राजनीतिक दलों के की चिट्ठियां आई हैं जिसमें प्रियंका गांधी ने दुख जताया। सरकार की तरफ से यानी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए गए। तो ऐसे में आज इस मामले में कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी में उस एक खास जाति विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें एक मैसेज देने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है। विपक्ष में है अखिलेश यादव, अपना सोशल बेस मजबूत करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में आज अखिलेश यादव शाम को आगरा में रहेंगे और विधानसभा चुनाव के दरमियान रोड शो उन्होंने आगरा में निकाला था, तब वो आगरा में क्या रहने वाला है इसके बारे में जानकारी आपने दे दी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।